वेलकम बैक व्यूअर। तो आज की इस वीडियो में मैं जो है आपको गाइड करूंगा कि हम जो है किस तरह इंसाफ इमदाद ऐप को इस्तेमाल करके इससे जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपको पता होगा कि कल जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इमरान खान साहब ने जो है बयान दिया था कि हम जो है एक नया प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं इंसाफ इमदाद। तो इंसाफ इमदाद के थ्रू जो है वो लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, वो गरीब लोग जो कि मजदूरी करते थे। और आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के हालात ये हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान पूरा कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हो चुका है, और वो घर बैठे जो आप किस तरह जो है वो इंसाफ इमदाद ऐप को इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो है 4,000 रुपये हर घराने को फ्री देगा, जो गरीब मजदूर लोग हैं सिर्फ उन्हीं को ये पैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम जो है इंसाफ इमदाद ऐप को किस तरह इस्तेमाल करेंगे, और आप जो है आपके साथ भी अगर कोई मुस्तहक अफराद रहते हैं तो आपका हक बनता है कि आप जो है उनका शनाख्ती कार्ड उठाइए, उनके जो डिटेल यहाँ पे रजिस्टर कीजिए ताकि वो गरीब लोग फ़ायदा उठा सकें। आपको जो है अल्लाह ताला ने इतनी फुर्सत दी है तो आप ना करें, अगर आपके जो आप गरीब हैं तो आप भी कर दीजिए। तो ये इंसाफ इमदाद ऐप है, मैं आपको सबसे पहले इसको डाउनलोड करने का तरीका बता देता हूँ। तो आपने चले जाना है प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर में आपने सर्च करना है इंसाफ इमदाद। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये फर्स्ट में एक ऐप आ जाएगी इंसाफ इमदाद, ये देखिए पंजाब आईटी बोर्ड वालों की ऐप है। तो इसको जो है आपने करना है अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल, सिर्फ और सिर्फ 6 MB की ऐप है, इसको ओपन कर लेना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने किसी घर के वडेरे या जो भी आपका रहनुमा है, आपके दादा जान हैं, आपके अब्बू जान हैं, जो भी हैं या आप खुद हैं, तो आपने जो है अपना आईडी कार्ड उठाना है। और कोशिश कीजिएगा कि इनकी कुछ शरायत हैं, वो आपको शरायत पे पूरा उतरना होगा। उनकी जो सबसे पहले तो शरायत ये है कि जो बंदा पैसे ले रहा है वो गरीब होना चाहिए, उसके नाम कोई उसकी जो है कोई सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, और उसके अलावा जो है उसके नाम कोई ज़मीन नहीं होनी चाहिए। तो आप कोशिश करें, अगर आपके अम्मी के नाम नहीं है तो आप अपनी अम्मी का आईडी कार्ड उठाइए, अगर आपके अब्बू के नाम ज़मीन नहीं है या उनकी जॉब नहीं है तो आप वो उठाइए। तो यहाँ पे आके आपने फ़र्स्ट में जो है आपका आईडी कार्ड जो ओरिजिनल नेम है आपने वही देना है। आप चाहें तो उर्दू में दे सकते हैं, चाहे तो इंग्लिश में भी दे सकते हैं, कोई भी आपने नाम देना है, मिसाल के तौर पर जैसे मैं दे देता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, आईडी कार्ड नंबर दे देना है आपने। तो आपका जो भी आईडी कार्ड नंबर है आपने वही आईडी कार्ड नंबर देना है यहाँ पे आके ऑनलाइन से का। उसके बाद यहाँ पे आके मोबाइल नंबर, अब आपने यहाँ पे आके कोई भी मोबाइल नंबर दे देना है जो ऑन हो आपका। तो उसके बाद जो है बयान हल्फी पे क्लिक करके दरख्वास्त जमा कर देंगे, तो जो है कुछ ही सेकेंड के अंदर जो है आपकी दरख्वास्त मौसूल हो जाएगी। तो पहले जो उन्होंने शुरू में सिस्टम लॉन्च किया था परसों, उन्होंने कहा था कि हर जो इलाका है मोहल्ला है उसकी लिस्ट बनाई जाए। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान साहब की कोशिश है कि जो अगर लिस्ट बनाई जाए तो लिस्ट में जो है हेरा फेरी कर जाते हैं लोग और दो नंबर लोग फ़ायदा उठा जाते हैं। तो उन्होंने जो एक नया सिस्टम उन्होंने कहा था कि हम लॉन्च करें ये ऐप वाला, तो ऐप में से ये है कि मिसाल के तौर पर मेरे नाम ज़मीन है, मेरे खुद के नाम ज़मीन है, तो मैं अगर यहाँ पे आके अपना आईडी कार्ड नंबर दूंगा तो वो मेरी सारी डिटेल आ जाएगी कि इसकी तो पहले जो है ज़मीन है या इसकी जॉब करता है। तो इस तरीके से जो है दो नंबर ही नहीं होगी। तो गवर्नमेंट की यही कोशिश होती है कि जो काम शुरू किया गया है तो ये इंसाफ के थ्रू ही पूरा हो। तो आप खुद भी ट्राई करें, आपके साथ कोई अगर गरीब लोग रहते हैं तो आप उनका आईडी कार्ड लेके दरख्वास्त दे दें ताकि आपकी वजह से उनको फ़ायदा हो।